खास अहमियत रखता है। जैसा चर्चा है इसमें कि बलिया से बहुत सारे लोग आपके घर में आने वाले हैं, क्या हम जान सकते हैं क्या तैयारी है आपसे, क्योंकि आपका भी नाम कहीं से आ रहा है कि आपके ही नेतृत्व में ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, बलिया के बहुत सारे लोग भाजपा में आने वाले हैं 30 तारीख को बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, और उसमें जो बहुत लोग पहले से निर्वाचित हैं और कुछ लोग जो है आगे के निर्वाचन के लिए भी आने की कोशिश में हैं, और 30 तारीख को हम लोग बलिया के बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराने हैं। तो क्या तैयारी है उसके लिए, कुछ तैयारी है क्या? नहीं, तैयारी इसमें क्या करनी है, अब हम लोग यहाँ लखनऊ में ज्वाइन करा देंगे और उनके समर्थक जाके बलिया में और उधर गोरखपुर क्षेत्र में ज्वाइन करेंगे, लेकिन 30 तारीख को बहुत लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है। इन लोग खासतौर पर ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के आने पे क्या और मजबूती मिलने वाली है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर से लोग आए तभी ना भाजपा आज पूरे विश्व की बड़ी पार्टी बन गई। यदि हम अपनी ज्वाइनिंगें रोक देते तो ये भाजपा कैसे इतनी बड़ी पार्टी बन पाए? भाई पहले तो हमारी पार्टी भाई इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी। आज जो है हमारे 18 करोड़ से ज़्यादा हमारे सदस्य हैं, आज हमारे जो 1400 से ज़्यादा विधायक हैं, 400 से ज़्यादा हमारे MP हैं, तो आखिर हमने दरवाज़ा खोला सबके लिए, तभी तो आगे बढ़ी पार्टी। तो पार्टी को बढ़ाने के लिए तो भाई आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तो आप देखिए 2017 में भी बहुत लोग दूसरे दल से आए, आज 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जोगी जी के कैबिनेट में जो दूसरे पार्टी से आए हैं। आप लोकसभा के चुनाव में आप देखें बहुत सारे लोग दूसरे दल से आए हमारे पार्टी के सांसद हैं। आप तो हमारे आसाम में तो हमारे एक मुख्यमंत्री हैं जो अभी 5 साल पहले हमारे पार्टी में आए, जो हेमंत विश्वकर्मा, और आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप जो आपके अंदर में अभी देखें ज्योतिराज सिंधिया जी आए वो मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में 18 लोग अभी आए वो मंत्री हैं। तो भाई अब पार्टी भी बढ़ रही है, तो इसलिए पार्टी को बढ़ाना है तो बाहर से लोगों को लेना ही पड़ेगा। तो लोग आ रहे हैं, बलिया में लोग आने वाले हैं 30 तारीख को, बहुत सारे लोग मैंने दर्जनों लोग हम बता रहे हैं आपको कि पार्टी में आएंगे, उसमें बहुत सारे लोग, कोई चेयरमैन है, कोई पूर्व विधायक है, कोई पार्टी के अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कई लोग चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे लोग भी हैं, सब लोग आएंगे 30 तारीख को ज्वाइन कराएंगे। एक सवाल और है नेताजी, क्या लग रहा है कि चर्चा खास रूप, क्या विधानसभा चुनाव के पहले ही विधान परिषद होगा या फिर कुछ इसमें विलम्ब है, कुछ चर्चा है क्या इस पर? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का है, अब चुनाव आयोग क्या करता है, मैंने दोनों का कार्यकाल मार्च में ख़त्म हो रहा है जी, विधानसभा का भी कार्यकाल 19 मार्च को ख़त्म हो रहा है और 7 मार्च को विधान परिषद का भी हो रहा है, तो दोनों की अधिसूचना एक साथ कर सकते हैं या मैंने आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये तो चुनाव आयोग का विषय है। हम लोग दोनों के लिए तैयार हैं, जब जो चुनाव हो जाएगा उसके लिए भाजपा तैयार है, क्योंकि हम लोग तो हर समय तैयारी करते रहते हैं। और पार्टियां केवल चुनाव में आती हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए आती है। भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल कुछ ना कुछ करती रहती है, उसका तो कोई ये नहीं है कि चुनाव आएगा ही तो काम करेगी। हम लोग तो तैयारी हम लोग हर समय रहती है, जहाँ ये अधिसूचना जारी होगी हमारे कैंडिडेट, हम लोग तो लगभग बहुत सारे कैंडिडेट भी फाइनल कर रखे हैं। एक सवाल और, जैसे खासतौर पर जब रविशंकर सिंह पप्पू ने सपा छोड़कर भाजपा में ज्वाइन किया, उस समय राजनीतिक सुर्खियों में आपका भी कहीं ना कहीं से नाम आया, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब उस समय उप सीएम दिनेश शर्मा और केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष, उस समय आप भी उसमें संचालन की भूमिका में थे, खासतौर पर लगा कि कहीं ना कहीं दयाशंकर सिंह भी पप्पू सिंह को लाने में रहा, ऐसा कुछ है कि हवा में? नहीं, देखिए जितने प्रदेश में नियुक्तियाँ हो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो जो ज्वाइनिंग कमेटी है उसका सब संचालन मैं ही करता हूँ। और मैंने और जहाँ तक भाई पप्पू सिंह जी की बात है, तो उनके चाचा जी पहले ही आ चुके थे, तो चाचा आ गए थे तो भतीजा कब तक जो है दूसरे जगह रहते, तो उनको भी ले आना था, तो क्योंकि दोनों लोग कैसे अलग अलग रह सकते, तो हम लोग ले आए उनको और पार्टी उससे मजबूत हुई। आज पूरे ज़िले में आप देखे होंगे जो वहाँ जब गए तो कितना उनका भव्य स्वागत हुआ, हर गांव से लोग उसमें स्वागत में लोग आए थे, तो इससे पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि भाई कोई भी हमारे जो विचारधारा के लोग हों, जो मोदी जी और योगी जी को मजबूत करना चाहते हों, वो कहीं और रहें, सब भाजपा के साथ रहें। तो आए हैं बलिया में, हम लोग और मजबूत हुए हैं और हम लोग की ताकत बढ़ी है, तो पिछली बार हम लोग 5 सीटें जीते थे, इस बार हम लोग 7 सीटें बलिया में जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दयाशंकर जी से बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में इस समय लखनऊ के ताज होटल में है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अवलेश कुमार सिंह के पुत्र के एक वैवाहिक कार्यक्रम में दयाशंकर जी से हमारी विशेष बातचीत। नमस्कार, आपका खबरों में।
धन्यवाद। हम लोग चेयरमैन साहब को मिलाने वाले हैं। चेयरमैन साहब को जलवा।